Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Mrs. Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing with you the various agencies of education in which I have already discussed home as an agency of education, school as an agency of education, community or society as an agency of education. And the last agency in this series is state, the role of state as an agency of education. So let's start. State, राज्य शिक्षा के अभिकरण के रूप में, तो राज्य किस प्रकार से भूमिका निभाता है शिक्षा प्रदान करने में? तो आईएल कैंडल ने डिफाइन किया कि स्टेट एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल. राज्य किसको कहेंगे? एक संगठित राजनीतिक समुदाय है जिसकी एक सरकार है और जिसको लोगों ने चुना है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल, लोगों से जिसकी पहचान है. द रोल ऑफ स्टेट इज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड अदर सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स. स्टेट या राज्य की भूमिका क्या होती है कि जो उसके नागरिक हैं उनका उसको सर्वांगीण विकास करना है. सर्वांगीण विकास किन किन टर्म्स में किया जाएगा? शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान, आधारभूत संरचना प्रदान की जाएगी, अर्थव्यवस्था और अदर मतलब अन्य सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों एस्पेक्ट्स को भी देखा जाएगा. Being a major stakeholder in school system, state cannot be kept isolated for education of the children. विद्यालयी निकाय में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एक मुख्य हितधारक की भूमिका निभाता है. इसलिए स्टेट अपने आप को अलग थलग नहीं रख सकता है बच्चों की शिक्षा से, यानी कि उसको करना ही करना है ये काम, शिक्षा देने के काम में मदद करनी है. इन द हायरार्की ऑफ स्कूल मैनेजमेंट स्टेट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन टू एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री. अगर हम विद्यालयी प्रबंधन, विद्यालय में जो मैनेजमेंट है उसकी हायरार्की देखें तो स्टेट टॉप मोस्ट पोजीशन पे, राज्य की सबसे उच्चतम स्थिति होती है कि वो देश भर में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो निर्णय हैं, टू एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द एजुकेशन सिस्टम, हम शिक्षा के निकाय को नियंत्रित करने का काम करता है. इट इंश्योर्स दैट ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एटसेट्रा हैव एक्सेस टू एजुकेशनल फैसिलिटीज. जो राज्य है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से आते हों, उनको शैक्षिक सुविधाएं मुहैया हो. Thus it promotes the constitutional provision of equality of educational opportunity. इस प्रकार से जो राज्य है वो शैक्षिक अवसरों की समानता का जो हमारे संविधान में प्रोविजन है उसको प्रमोट करता है. It regulates the entire education system by preparing plans, executing them and providing educational support to the students through various schemes of education. और जो राज्य है वो पूरे शैक्षिक निकाय को नियामक है उसका, उसको रेगुलेट करता है, योजनाएं बनाता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और शैक्षिक सहायता विद्यार्थियों को, बहुत तरीके की स्कीम ऐसी चलाता है जिससे विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता मिले. रोल ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, तो इसमें हम यही देखेंगे कि राज्य क्या क्या भूमिका निभाता है विद्यार्थी की शिक्षा के लिए, बालक की शिक्षा के लिए. तो स्टेट एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन एजुकेशन इन जनरल एंड स्कूल्स इन पर्टिकुलर अंडरटेक द फॉलोइंग रोल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड. तो ये विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के बारे में बात है कि फॉर्मुलेशन ऑफ ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राज्य क्या करता है शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय नीति बनाता है. A liberal state takes the responsibility to develop an education policy for implementing it across the country. एक जो उदार राज्य होता है उसकी ये जिम्मेदारी लेता है कि वो इस तरीके की शिक्षा नीति की एक शैक्षिक नीति को विकसित करे जिसको कि थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए. For that, the state constitutes committees to look into the matter by consulting various stakeholders in education and organizing seminars and workshops before making it final. इसके लिए राज्य क्या करता है? बहुत तरीके की समितियों की स्थापना करता है, गठन करता है, जो इस मैटर को देखें, इस मामले को देखें, और उसमें बहुत सारे स्टेकहोल्डर्स जो हैं एजुकेशन के, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर है, प्रिंसिपल है, इवन स्टूडेंट्स खुद हैं, उनसे बातचीत की जाती है सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, कार्यशालाएं की जाती हैं, और फिर उनसे जो आउटपुट निकल के आता है, जो रिजल्ट आता है, उसके बाद इसको फाइनल करते हैं. Similarly, the state also sets up various commissions from time to give recommendations about different aspects concerned with different levels of education, like school education, higher education, teacher education, technical and professional education, etc. Similarly, मतलब समान रूप से और क्या करता है स्टेट, राज्य बहुत तरीके के कमीशन, आयोग गठित करता है समय समय पर जो हमको संस्तुतियां देते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न तरीके की शिक्षा, जैसे कि विद्यालयी
शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, प्रोफेशनल शिक्षा है, इस तरीके की सभी शिक्षाओं के सभी डिफरेंट लेवल्स पे रिकमेंडेशन देने के लिए राज्य बहुत तरीके के आयोग भी गठित करता है। और जैसे इस तरीके के इन्होंने कुछ स्कीम्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखा दिए, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 से ये इम्प्लीमेंट है। तो इसने इसमें क्या कहा गया कि टू प्रोवाइड द चिल्ड्रेन राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू एट्थ विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क और अनिवार्य एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। तो ये क्या है, राज्य ने स्कीम बनाई है किसके लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो इस तरह से राज्य तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में है ही। मिड डे मील स्कीम आई 1995 में लॉन्च हुई है, किस लिए, ताकि हम इनरोलमेंट जो जब प्राइमरी एजुकेशन की दिक्कतें पड़ी जाती है, प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पढ़ा जाता है, तो उसमें यही है कि आपका इनरोलमेंट नहीं है, फिर इनरोलमेंट है तो रिटेंशन नहीं है, और रिटेन नहीं करते हैं बच्चे और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया कि अगर हमको मिड डे मील दे, मतलब दोपहर का भोजन अगर हमको विद्यालय में दे दें, तो शायद बच्चे इसी इसी लोभ में आ जाएं, या ये मतलब जो कुपोषण के भी शिकार हैं, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। तो इस तरह से मिड डे मील स्कीम चलाई गई कि हम बच्चों को रोक सकें विद्यालय आने का, उनको एक कारण समझ में आए। To enhance enrollment, retention, attendance and simultaneously to improve the nutritional status of children. और विद्यार्थियों के nutritional status को बढ़ाना भी इसका एक लक्ष्य था कि हम उनको बढ़िया भोजन, nutritional भोजन दे पाएं, क्योंकि बहुत गरीबी है देश में, उस प्रकार का भोजन उनको नहीं मिलता है। तो अच्छा पौष्टिक भोजन उनको मिलेगा तो माँ बाप भी चाहेंगे कि बच्चा स्कूल जाए, बच्चा खुद भी चाहेगा कि घर में उतना अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, स्कूल चला जाए कम से कम, और रहेगा तो सीखेगा ही, रिटेन हो जाएगा, है ना। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आया था 2004 में, ये स्कीम किसके लिए आई थी, टू प्रोवाइड द अपर प्राइमरी स्कूल्स रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर द गर्ल्स फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, यानी कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम कम्युनिटी है, जो थोड़ी बैकवर्ड है, उसकी जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ने में अच्छी हैं, या मतलब जैसी भी हैं पढ़ने में, पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज मतलब आवासीय सुविधा दी जाए कि आप वहीं रह के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। बहुत बढ़िया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्कीम है और बहुत सफल भी रही है। उसी तरह से नेशनल बाल भवन, ये 1956 में आई थी, इसने क्या कहा था कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रेन फॉर एनहेंसिंग देयर क्रिएटिविटी थ्रू क्रिएटिव आर्ट, राइटिंग, परफॉर्मेंस, फिजिकल एजुकेशन, साइंटिफिक इनोवेशन, फोटोग्राफी एक्सेट्रा इन एन जॉयफुल एनवायरमेंट। नेशनल बाल भवन मतलब राष्ट्रीय बाल भवन बना लीजिए, जिसमें बच्चों को अवसर दीजिए कि उनकी क्रिएटिविटी में रचनात्मकता इनहेंस हो, उनकी क्रिएटिव आर्ट के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू, उनको फिजिकल एजुकेशन में इंगेज किया जाए, साइंटिफिक इनोवेशन, फोटोग्राफी, इस तरीके के वातावरण को बहुत अच्छे वातावरण में ये सब सिखाया जाए। तो इस तरीके से समय समय पर जो राज्य है वो स्कीम्स लाता है ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा बेहतर हो सके। जैसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया RMSA 2009 में, इसने क्या कहा, द स्कीम इनवाइसेज इंटर एरिया टू एनहेंस द इनरोलमेंट एट सेकेंडरी स्टेज बाय प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ हैबिटेशन एंड विद एन एम टू इंश्योर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ 100% by 2017 and universal retention by 2020। सभी को बताए, चूंकि 2009 की स्कीम है, 2020 आके चला गया, हम इसको प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है। और इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मतलब कि हम इसमें सेकेंडरी लेवल तक इन्होंने लिया कवर किया कि हम बच्चे को रीजनेबल डिस्टेंस के बीच में उनको विद्यालय मिलेगा, और उसका लक्ष्य यही था कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कितना बच्चा इनरोल हो रहा है, इसको 2017 तक 100% कर लिया जाए, और सभी जो इनरोल हों वो रुकें भी 2020 तक। फिर इसमें और था कि टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल थ्रू मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल्स कंफॉर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिमूविंग जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। और ये भी बात की गई कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं वो जो एक मानक है उसको मानेंगे, उसको पूरा करेंगे, और लैंगिक आधार पर, लिंग के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक या कोई विसंगति के आधार पर जो भी रुकावटें हैं सबको दूर करेंगे। उसी तरह से उड़ान एक अच्छा, ये मैंने हायरार्की मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं है, क्रमवार नहीं है,
मतलब वर्ष के अनुसार नहीं है कि जैसे 2014 होता, फिर 2009 होता, फिर उसके बाद आपका आरटी होता, इस तरह से कर सकते थे। खैर, टू एड्रेस द क्वालिटी गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस बाय एड्रेसिंग थ्री डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम डिजाइन, ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट। जो स्कूल एजुकेशन, और देखिए होता क्या है कि जो इंजीनियरिंग और आपके ये डॉक्टरी के एग्जामिनेशन होते हैं एमबीबीएस वाले, उसमें एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि 12th पास आउट बच्चा उसमें अगर विदाउट कोचिंग या विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको पास नहीं कर पाता, जबकि कहा जाता है कि उसकी बेसिक प्री रिक्विजिट 12th ही है। तो जो स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के बीच में क्वालिटी गैप आता है, उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया कि हम बच्चों को इस तरह से करें कि वो गैप फुलफिल हो जाए और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में पास हो सके। टू इनरिच एंड एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसलिए 11th 12th में साइंस और मैथमेटिक्स की टीचिंग लर्निंग को इनरिच और एनहेंस करने के लिए था ये। टू प्रोवाइड a platform that empowers the girl students and provides better learning opportunities to them, और जो female student है, जो girl student है, उनको भी empower करने के लिए एक platform था, जो कि उड़ान 2014 के नाम से आया। इसके अलावा राज्य और क्या करता है, प्रोविजन फॉर स्कूल्स, वो स्कूल खोलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पता ही है 2009 आ चुका है, इसके बाद ये तो राज्य की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए। इसके अलावा राज्य एडल्ट एजुकेशन सेंटर या जन शिक्षा केंद्र भी चलाता है, जिसमें जो एडल्ट एजुकेशन के तहत जो जिनकी पढ़ाई बीच में कहीं छूट गई है उनको भी हम ट्रेन कर सकें, उनको भी लिटरेट बना सकें। उसी तरह से स्कूल की फाइनेंसिंग को भी स्टेट देखता है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की नियुक्ति करता है, प्रोविजन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल, जैसे कि नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी है, वैसे राज्य के स्तर पे एससीईआरटी होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका भी यही काम है कि स्कूल के लिए टेक्स्ट बुक को डेवलप करना और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मुहैया कराना। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप, उसी तरह से राज्य बहुत तरीके की स्कॉलरशिप भी देता है, जैसे नेशनल टैलेंट सर्च चलता है, एनटीएस एग्जामिनेशन, इसको एनसीईआरटी कराता है ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट स्कूल लेवल पे हैं उनको उनको पहचाना जा सके और उनको स्कॉलरशिप देके सपोर्ट किया जाए ताकि वो और आगे अच्छा करें। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटीज, जो विद्यालय हैं और जो समुदाय हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम भी राज्य का है, और राज्य ने कहा है कि हर विद्यालय में एक एसएमसी बनाया जाए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिससे कि ये जो आदान प्रदान है वो बढ़िया हो सके। तो इस तरह से जितनी स्कीम्स हैं सब राज्य ने ही तो बना रखी है ना, तो राज्य की भूमिका तो है ही विद्यालय एजुकेशन, राज्य की भूमिका सिटीजन्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में है, और सिटीजन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट या मूलभूत डेवलपमेंट का जो बेसिक है, जो नींव है, वो शिक्षा है। तो शिक्षा तो देना राज्य का काम है ही, और उसके लिए वो समय समय पर योजनाएं भी बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जान गए कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज क्या हैं, नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल क्या हैं, एक्टिव पैसिव क्या हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल क्या हैं, और उसमें चार हम लोगों ने पढ़ ली, होम जो कि इनफॉर्मल एजेंसी था, स्कूल जो कि फॉर्मल एजेंसी था, फिर स्टेट या कम्युनिटी और सॉरी सोसाइटी या कम्युनिटी और स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन फॉर यू पीपल। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.